नमस्कार, हमारे चैनल ब्राइट स्पॉट पर आपका स्वागत है। आज हम राधा रानी का लहंगा बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये कलर लिए हैं। इसमें और कलर हम ऐड करेंगे बाद में, अभी हम दो कलर से बना रहे हैं। ये देखिए, और ये 10 नंबर की सिलाइयां हैं, और इन दो सिलाइयों पर हमने ये फंदे डाले हैं, 52 फंदे डाले हैं दोनों सिलाइयों में। देखिए, इस तरह से हम इसमें फंदे डालेंगे, इस तरह से जैसे हम एक सिलाई पर डालते हैं उसी तरह से हमें दो सिलाइयों पर डालने हैं। ये देखिए, इस तरह से लिया, और जैसे हमने एक सिलाई पर डालते हैं इसी तरह से इस तरह करेंगे, और इस तरह से हम फंदे डालेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें 52 फंदे डाल लिए। अब एक सिलाई हम इसमें से आराम से धीमे से इस तरह से करेंगे कि हमको एक सिलाई इसमें से निकाल लेनी है। देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए, एक सिलाई हमने निकाल ली। अब इस सिलाई को हमें पूरी सिलाई, जितने फंदे हैं 52 फंदे हैं, 52 फंदे हैं, पूरी सिलाई हमको उल्टी उल्टी बुन करके कंप्लीट करनी है। तो ये पूरी सिलाई हम उल्टी बुन लेते हैं, इधर से हमको इसको उल्टा बुनना है। ये देखिए, इस तरह से उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, पहली सिलाई हमने पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली। अब हम सीधी सिलाई पर, दूसरी उल्टी सिलाई पर हैं, तो इसको हमें पूरा सीधा बुनना है। पहली सिलाई हमने पूरी उल्टी बुनी, और सेकंड रो पर है, सेकंड रो पर हमें पूरी सिलाई को, सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना है। तो ये सभी फंदे हम सीधे सीधे बुन लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से सभी फंदे सीधे बुन करके कंप्लीट करेंगे। फिर आगे दिखाते हैं आपको कि इस तरह से पूरी सिलाई हमको सीधी बुननी है। देखिए, पहली सिलाई हमने उल्टी उल्टी बुनी, सेकंड रो हमने सीधी सीधी बुनी। अब हम फिर सीधी सिलाई पर, पहले सीधी फिर उल्टी, अब फिर सीधी सिलाई पर हैं, तो सीधी सिलाई को हमें देखिए किस तरह से बुनना है। ये चार फंदे व्हाइट से, हमने व्हाइट कलर लगा लिया इसमें, तो व्हाइट से हम, व्हाइट से सफेद कलर से इस चार फंदे हमको व्हाइट से बुनने हैं। देखिए, दो और सीधे सीधे बुनने हैं, तीन चार, ये चार फंदे हमने व्हाइट से सीधे सीधे बुन लिए। दो फंदे हम उतार लेंगे, इनको नहीं बुनना है। ये देखिए, इस तरह से हमने उतार लिया, और ये चार फंदे फिर हम, ये देखिए, इस तरह से चार फंदे हम फिर सीधे सीधे बुन लेंगे, दो तीन चार, ये चार फंदे हमने सीधे बुन लिए, और ये दो फंदे हमें फिर उतार लेने हैं, और फिर चार फंदे हम इस तरह से सीधे सीधे बुनने, चार व्हाइट से बुनने हैं, और चार, दो फंदे हमको उतारते हुए चलना है, इनको नहीं बुनना। ये देखिए, ये दो उतार लिए हमने, और फिर हम चार फंदे व्हाइट से बुनेंगे, एक दो तीन चार, ये चार फंदे हमने व्हाइट से बुने, और दो फंदे हम इस तरह से उतार लेंगे, फिर हम बुनेंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, चार फंदे व्हाइट से बुने और दो उतार लिए, चार फंदे व्हाइट से, इसी तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हम देखिए उल्टी सिलाई पर है, यहाँ पे हमें फंदे हमको सभी व्हाइट फंदे, ये देखिए व्हाइट फंदा है, पहला फंदा हम उतार लेंगे, ये देखिए, और इस फंदे को देखिए, एक दो, दोनों तरफ से हमको सीधा ही सीधा बुनना है, तीन चार, ये चार फंदे हमने सफेद से बुने, और ये दो फंदे हमें उतारने हैं, तो उनको आगे करेंगे और ये दो फंदे हम उतार लेंगे। देखिए, उनको पीछे किया और ये चार फंदे व्हाइट से बुने, एक दो तीन चार, ये चार फंदे हमने व्हाइट से बुन लिए, और ये दो फंदे, ये देखिए, उनको आगे किया और ये दो फंदे हमने उतार लिए, फिर हम उनको पीछे करेंगे और ये चार फंदे व्हाइट से, ये देखिए, दो तीन चार, चार फंदे व्हाइट से बुने, उनको आगे करेंगे और ये दो फंदे हम, जो हमने बगैर बुने हैं, ये उतारते हुए चलना है हमको, इस तरह से उतार लिए, उनको पीछे करेंगे और ये चार फंदे फिर हमको बुने। इसी तरह से पूरी सिलाई हमको कंप्लीट करनी है, और इस तरह से बुनते हुए हम थोड़ा लंबा कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, चार फंदे हमने सफेद रंग से बुने और दो उतारे, ये पीले वाले हमने उतारते हुए चले, तो इसमें हमने आठ सिलाइयां बुनी। यहां से पीछे से आप देखेंगे तो ये चार रो हैं, एक दो तीन और चार, तो हमने आठ सिलाइयां ये बुन ली। आठ सिलाइयां बुनने के बाद, ये देखिए, अब हमें फंदों को उतारना नहीं है, अब हम सभी फंदों को बुनेंगे। तो देखिए किस तरह से बुनना है। पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदे हम सीधे सीधे, जैसे हम बुन रहे थे उसी तरह से हमको, ये देखिए, इसी कलर से हमको सभी फंदे बुन लेने हैं।
ये पहला फंदा उतार लिया और ये फंदे हमको सीधे बुनने हैं। दो तीन चार, ये चार फंदे हमने सीधे बुन लिए और ये हमने जो फंदे उतारे थे इनको भी हमें बुनते हुए चलना। अब हम उतारेंगे नहीं, ये फंदे हमको बुनने हैं। ये देखिए इस तरह से हम बुन लेंगे, सभी फंदे बुन लेंगे। इधर से हम इसको सीधा बुनेंगे और उधर से उल्टी सिलाई, हमको पूरी उल्टी बुननी है। और इस तरह से बुनते हुए दो सिलाइयां सीधी और दो उल्टी, इधर से हम सीधी बुनेंगे और उधर से उल्टी बुनेंगे। इस तरह से चार सिलाइयां हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि आगे हमें किस तरह से बुनना है। कि इस तरह से हमारा ये बुन करके तैयार होगा। ये देखिए चार सिलाइयां हमने यहां सीधी सीधी बुन करके, ये फंदे सब कर लेने के बाद, ये जो हमने बुने नहीं थे ये फंदे हमने बुने, इस तरह से हमने चार सिलाइयां और सीधी सीधी बुनी, दो सीधी इधर से बुनी और दो हमने इधर से बुनी। तो ये चार सिलाइयां बुन करके हमने यहां पर कंप्लीट कर ली। तो दो रो और चार सिलाइयां बुन के कंप्लीट हो गई। अब हम देखिए फिर सीधी सिलाई पर है और यहां पर किस तरह से अब हमको बुनना है। ये देखिए पहला फंदा हमने ये उतार लिया और चार फंदे सीधे, ये पट्टी के हमको किनारे से चार फंदे हमको उल्टे बुनने हैं पट्टी के लिए। तो पहला फंदा हमने उतार लिया और चार फंदे हम उल्टे बुनेंगे। एक दो हो गए, तीन चार, ये चार फंदे हमने उल्टे, ये हमारे किनारे पट्टी के लिए चलेंगे। ये देखिए उनको पीछे किया और दो फंदे, ये हमारे ये दो फंदे हमको सीधे बुनने हैं। दो का एक करना है, ये देखिए दो फंदे हैं, दो का एक कर लेंगे। ये देखिए दो फंदों का एक कर लिया, फिर ये चार फंदे हमको सीधे बुनने हैं। एक दो तीन चार, ये चार फंदे हमने सीधे बुने, फिर हमें यहां पर दो का एक करना है। तो देखिए इस तरह से हम दो का एक करेंगे। ये देखिए दो का एक कर लिया, फिर चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे और यहां पर ये दो का एक। इसी तरह से पूरी सिलाई हमको इसी तरह से करनी है, चार फंदे हम सीधे बुनेंगे और दो का एक करेंगे, चार फंदे सीधे दो का एक। इसी तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे और उल्टी सिलाई हमको पूरी उल्टी बुननी है। ये देखिए चार फंदे हमने सीधे बुने, फिर दो का एक किया, चार फंदे सीधे दो का एक। अब हम उल्टी सिलाई पर हैं, उल्टी सिलाई हमको पूरी उल्टी बुननी है, सभी फंदे हमको उल्टे बुनने। पहला फंदा उतारेंगे और ये सभी फंदे हमको उल्टे बुनने हैं। ये पूरी सिलाई हम उल्टी बुन करके कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली। अब हम सीधी सिलाई पर हैं। अब सीधी सिलाई पर देखिए पट्टी के फंदे हमारे जो चार थे इनको हमें उल्टा ही बुनना है। देखिए एक उतार लिया, एक बुना, दो हो गए, तीन और ये चार, ये चार फंदे हमारे पट्टी के उन पीछे करेंगे और तीन फंदे अब हमको सीधे बुनने हैं। एक दो तीन, ये तीन फंदे हमने सीधे बुन लिए और ये एक फंदे के हमको तीन फंदे करने हैं। तो देखिए ये हमें येलो कलर से, जो कलर हमने नीचे लगाया है उसी कलर से हमको एक फंदे के तीन फंदे करने हैं। ये देखिए ये एक फंदा ये बुना, इसको उतारना नहीं है। ये देखिए ये हमको उतारेंगे नहीं, एक फंदा बुन गया, एक हमने इस तरह से चढ़ा लिया इस पर, देखिए तो ये दूसरा फंदा हो गया। इस तरह से हमने चढ़ाया तो ये दो फंदे हमारे हो गए, इसको हमें एक बार फिर से बुनना है। तो ये देखिए एक फंदे के हमारे ये तीन फंदे हो गए और ये तीन फंदे फिर हमें व्हाइट से बुनने हैं कि एक दो और ये तीन, फिर हमें तीन फंदे सीधे बुने और एक फंदे के फिर हमें ये येलो से बुनना है, एक फंदे के तीन करने हैं। देखिए एक बुना, इसको चढ़ा दिया तो एक फंदा हमारा हो गया और ये एक फंदे के हमारे तीन फंदे बन गए। फिर हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे सफेद कलर से, देखिए दो और ये तीन, फिर हम एक फंदे के तीन करेंगे। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए इस तरह से तीन फंदे सीधे बुने और एक फंदे के हमने तीन फंदे बुनाए। अब हमें ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई और हम उल्टी सिलाई पर हैं। तो ये लास्ट के चार फंदे हमारे ये पट्टी के, तो इन चार फंदों को तो हम पट्टी के बुन लेंगे। एक दो तीन, तीन फंदे हमने ये पट्टी के बुने
और एक फंदा हम इसमें मिला करके, ये देखिए ये फंदा जो है ये वाला फंदा, इसको हमें आगे करना है और ये फंदा हमारा पीछे रहेगा। तो देखिए किस तरह से, इस तरह से उतारेंगे इसको और देखिए इस फंदे को इस पे चढ़ा देंगे और ये फंदा हम आगे कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और इन दो को हमें एक करना है इस तरह से, ये दो फंदों का हमें एक कर लेना है। देखिए इस तरह से ये आएगा, ये देखिए अब ये वाला फंदा हमने आगे कर लिया, इसका हमें दो का एक करना है। ये देखिए ये दो का एक कर लिया और ये फंदा हमको येलो से ही बुनना है। ये देखिए इस फंदे को हम येलो से बुनेंगे और यहाँ पर ये दो का हमें एक करना है। ये देखिए इन दो का एक करेंगे और ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर सा बन करके यहाँ पे आएगा। और ये एक फंदा ये देखिए इस तरह से बुना और ये वाला फंदा फिर हमको ये वाला सफेद वाला है ये पीछे करना है। तो ये देखिए इस तरह से ये तो उतारेंगे और इस पर इसको चढ़ाएंगे और ये वाला फंदा आगे कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आगे कर लिया और इन दो का हमें एक करना है। ये देखिए इस तरह से दो का एक किया और ये वाला फंदा बीच का फंदा हमको येलो से बुनना है। ये देखिए बीच का फंदा येलो से बुना और ये दो को हमें एक करना है। इसको कुछ नहीं करना, बस दो का एक करेंगे, एक व्हाइट ले लेंगे इसमें से और इस तरह से कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्लावर बन करके आएगा और ये एक फंदा सफेद। इसी तरह से ये फंदे दो हैं, ये देखिए दो हैं फंदे, इनको हमें इस सलाई पर इसको सफेद को ले लेना है व्हाइट वाले को और ये वाला जो है इसको हमें इस पे चढ़ाना है। ये देखिए इस पे चढ़ाया और इन दो को हमें एक करना है। ये देखिए दो को एक किया और ये फंदा जो बीच का फंदा है देखिए ये बीच का फंदा, इसको हमें येलो से बुनना है। ये देखिए और इन दो को हम मिलाएंगे और दो का एक कर लेंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन करके ये तैयार हो गए। अब हमें क्या, यहां से हम कलर चेंज करेंगे, रेड कलर लगाएंगे। ये देखिए और ये फंदे हमको, ये देखिए यहां से कलर लगा लेते हैं। देखिए ये कलर लगा लिया और ये फंदे हमको, ये देखिए दो तीन चार पांच, पांच फंदे हमने ये देखिए रेड से बुने और ये वाला फंदा हमको है, ये तीन फंदे जो हमारे ये फ्लावर वाले हैं इनको हम देखिए पहला, इसके पहले का जो व्हाइट फंदा है इसको हमें उतारना है, इसको बुनना नहीं है। और ये तीन फंदे जो हैं, ये एक बीच का येलो और एक इधर का व्हाइट और ये व्हाइट, इनको हमें रेड कलर से बुनना है। देखिए एक दो तीन, ये तीन रेड से बुन लिए, एक फंदा उतार लिया और फिर तीन रेड से, एक दो तीन, तीन फंदे रेड से बुने, एक फंदा उतारा और फिर तीन रेड से। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई हमको इसी तरह से बुन के कंप्लीट करनी है। देखिए तीन रेड से बुन लिए, एक उतार लिया, फिर तीन रेड से। इसी तरह से ये पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस तरह से हमारा एक फंदा हम उतारते हुए चले व्हाइट का और सभी फंदे हमने तीन सीधे, एक उतारा तीन सीधे रेड कलर से बुनते गए और एक उतारते गए। अब हम उल्टी सिलाई पर हैं। देखिए उल्टी सिलाई पर हमको क्या करना है, ये उल्टे फंदे हैं, देखिए इसको ये बॉर्डर वाले फंदे हैं, तो उधर से हम सीधे बुने हैं तो इधर से हम उल्टा बुनेंगे इनको। देखिए ये फंदे हमको रेड कलर के सभी, ये देखिए चार, और ये फंदे ये हमारे अंगून आगे करेंगे और ये फंदे हमको उल्टे बुनने हैं। ये देखिए एक फंदा बुना, ये वाला फंदा हमारा व्हाइट वाला है, इसको हम उतारते हुए चलेंगे और ये सभी फंदे हमको रेड से ही बुनने हैं। ये देखिए इस तरह से ये फंदा हमने उतारा और सभी फंदे रेड से। इस तरह से पूरी सिलाई हमको इसी तरह से कंप्लीट करनी है। देखिए उतारते हुए चलना है इसको और ये फंदे सब जो रेड से हैं उनको हमें रेड से ही बुनेंगे। ये देखिए उतारते हुए चलना है। इस तरह से ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया। अब हम सीधी सिलाई पर हैं। सीधी सिलाई पर हमें व्हाइट कलर लगाना है, तो ये उधर से हमने, ये देखिए इधर से ये हमारे पट्टी के फंदे हैं, तो ये हमें सीधे बुनने हैं। इधर से हम व्हाइट कलर लगा लेंगे। अब एक
2, 3, 4, ये चार फंदे हमने सीधे बुने पट्टी के, और ये फंदे देखिए, और ये फंदा भी हमको, ये फंदा भी हमको व्हाइट से बुनना है, ये देखिए, और ये जो हमने एक फंदा उतारा था इसको हम येलो से बुनेंगे, और एक फंदे के तीन फंदे करेंगे जैसे हमने पहले किए थे, उसी तरह से हमको एक फंदे के तीन फंदे करने हैं। देखिए एक फंदा किया, इसी तरह से घुमा लिया और इसको इस तरह से हमने बुन लिया, तो एक फंदे के ये तीन फंदे हो गए, और ये तीन फंदे व्हाइट से, 1, 2, 3, ये तीन फंदे व्हाइट से बुने। फिर ये फंदा जो हमने उतारा था इस फंदे को हमें येलो से बुनना है, और एक फंदे के तीन फंदे करने हैं। ये देखिए एक फंदा किया, ऐसे घुमा के किया, और फिर इस तरह से ये एक फंदे के तीन फंदे हो गए। फिर यहाँ पर ये तीन फंदे व्हाइट से, देखिए 1, 2, 3, ये तीन फंदे हमने बुन लिए। फिर ये फंदा जो हमारा उतरा हुआ था इसको हमें येलो से एक फंदे के तीन करने हैं। इसी तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे, तो ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए सीधी सिलाई हमारी इस तरह से बुन करके ये कंप्लीट हो गई। अब हम उल्टी सिलाई पर हैं। उल्टी सिलाई पर देखिए जैसे हमने नीचे फ्लावर बनाए थे, ये बिल्कुल उसी तरह से हमको ये फिर उसी तरह से फ्लावर बनाने हैं। तो देखिए पहले ये चार फंदे हमारे पट्टी के ये सीधे बुनने हैं, 2, 3, 4, चार फंदे हमने पट्टी के बुन लिए, एक फंदा और हमें व्हाइट बुनना है, और ये फंदे दो का एक करना है। तो देखिए इस फंदे को इस तरह से दोनों को लेंगे, और ये फंदा हमको, ये वाला फंदा जो व्हाइट वाला फंदा है इसको हम इसमें चढ़ा लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसमें चढ़ाएंगे, और ये व्हाइट वाला, ये येलो वाला फंदा आगे कर लेंगे, और इन दो को हमें एक करना है। ये देखिए इन दो को हमें एक कर लेंगे, देखिए इस तरह से, और ये बीच का फंदा, एक फंदा जो हमारा ये बीच का है इसको हमें येलो कलर से बुनना है। ये देखिए इसको हम येलो कलर से बुनेंगे, और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा दोनों को मिला करके ये देखिए इस तरह से करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर फ्लावर बन जाएगा। फिर ये बीच का एक फंदा, ये वाला हमें व्हाइट से बुनना है, और इन दो को भी फिर उसी तरह से करेंगे। ये देखिए दोनों लिए इस तरह से, ये देखिए अब फिर यही करना है, ये वाले दो फंदे हमने लिए, ये वाला फंदा व्हाइट वाला इसको पीछे कर लेंगे, और येलो वाले फंदे को हमें इस तरह से आगे चढ़ा लेना है। ये देखिए इस तरह से चढ़ाया, और ये दो का एक कर देंगे, व्हाइट से करना है इसको, ये देखिए, और ये बीच का फंदा है ये येलो से करेंगे, और ये दोनों को मिला करके एक फंदा बनाएंगे जैसे हमने आगे किया था उसी तरह से। इस तरह से हमारा यहाँ फ्लावर बन जाएगा। इसी तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस तरह से ये हमारा, ये देखिए तैयार हो गया। अब हमें यहाँ पर फिर हम कलर चेंज यहाँ पर करेंगे, ये ग्रीन कलर लगाएंगे, ये देखिए ग्रीन कलर लगा लिया, और यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरह से पीछे ले जाएंगे, और ये फंदे हमको पट्टी के हैं तो इनको हमें चार फंदे हमको इस तरह से बुनने, 1, 2, 3 और 4 फंदे, ये देखिए चार फंदे पट्टी के, और सभी फंदे हमको सीधे सीधे बुनने हैं। यहाँ से हम कलर चेंज करके पूरी सिलाई हमको सीधी सीधी बुन लेनी है इस तरह से, देखिए सभी फंदे हम सीधे सीधे बुन लेते हैं इस तरह से, पूरी सिलाई सीधी बुन करके कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारा इतना बन करके तैयार हो गया। अब हम उल्टी सिलाई पर हैं। उल्टी सिलाई पे हमको ये पट्टी के फंदे, ये हमको चार फंदे तो उल्टे बुनने हैं पट्टी के लिए, 1, 2, 3, 4, चार पट्टी हो गए। फिर हमें दो का एक करना है, ये देखिए दो फंदों का हमने एक कर लिया। फिर हम चार फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, चार फंदे उल्टे बुने, दो का एक, यहाँ हम फंदों को कम कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, फिर दो का एक। इसी तरह से पूरी सिलाई हम चार फंदे उल्टे बुनेंगे और दो का एक करेंगे। फिर सीधी सिलाई पे आपको दिखाते हैं। ये देखिए उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली,
फंदे हमने, चार फंदे हमने उल्टे बुने, फिर दो का एक किया, इस तरह से इसमें हमारे फंदे घट गए। अब हमें फंदों को कम करना है, जैसे हमने उल्टी सिलाई पर घटाए हैं, कम किए, उसी तरह से अब हम सीधी सिलाई पर पूरी सीधी सिलाई पहले बुन लेते हैं। देखिए इसमें कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे हमको रेड कलर से बुनना है। अब यहाँ पे रेड कलर लगाएंगे, ठीक है, देखिए ये एक फंदा हमने बुना और ये पट्टी के हैं, तो ये हमें चार फंदे उल्टे बुनने हैं कि एक, तीन हो गए और ये चार, चार फंदों के बाद ये हमें फंदों को, सभी फंदों को हमें सीधा सीधा बुन लेना है। यहाँ पर सभी फंदे सीधे बुनेंगे और उल्टी सिलाई पर फंदों को हम घटाएंगे। ये देखिए इस तरह से पूरी सिलाई हम सीधी बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए सीधी सिलाई हमने पूरी सीधी बुन करके कंप्लीट कर ली। अब हम उल्टी सिलाई पर हैं, उल्टी सिलाई पर हमको यहाँ पर फंदे घटाने हैं। तो देखिए चार फंदे हम बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, ये चार फंदे हमने उल्टे बुने और फिर यहाँ पर दो का एक, देखिए दो का एक कर लिया, फिर चार फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे उल्टे बुने, दो का एक, फिर चार फंदे उल्टे, इसी तरह से ये सिलाई हम पूरी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। चार फंदे उल्टे बुनेंगे और फिर दो का एक कर लेंगे, इस तरह से ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। सीधी सिलाई पर फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए उल्टी सिलाई पे हमने चार फंदे हमने उल्टे बुने और दो का एक किया, चार उल्टे बुने और दो का एक, इस तरह से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम फिर सीधी सिलाई पर हैं, ये सिलाई हमको रेड कलर से, अब हम यहाँ पे व्हाइट कलर से बुनेंगे, यहाँ से व्हाइट कलर लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से दो दो सिलाई पे हमें व्हाइट कलर कलर चेंज करते जाना है। ये देखिए दो, तीन, चार, पांच, ये पूरी सिलाई हमको व्हाइट से बुननी है और उल्टी सिलाई पर फिर हमको फंदे घटाने हैं। तो फिर वो फंदे हम कैसे घटाएंगे, ये हम ये सिलाई बुनने के बाद उल्टी सिलाई पर हम फिर आपको बताएंगे। ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए सीधी सिलाई हमने कलर चेंज करते हुए पूरी सीधी बुन ली, अब हम उल्टी सिलाई पर हैं, यहाँ पर हमें फिर फंदे घटाने हैं। तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, आठ फंदे हमने बुन लिए, आठ के बाद हमें फिर दो का एक करना है। ये देखिए ये दो का एक किया, फिर हम आठ फंदे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, आठ के बाद फिर हमने दो का एक किया, इसी तरह से आठ फंदे बुनेंगे और दो का एक करेंगे सीधी सिलाई पर, कलर चेंज करेंगे हम फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए दो सिलाइयां हमने व्हाइट कलर से बुन ली, अब हमें दो सिलाइयां येलो कलर से बुनेंगे और सीधी सिलाई पे हमें कलर चेंज करना है और उल्टी सिलाई पर हम फंदों को घटाएंगे, कम करेंगे। देखिए एक, जिसको तो पूरी सिलाई हमको येलो से ही बुननी है, उल्टी सिलाई पे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमको फंदों को कम करना है। ये देखिए पूरी सिलाई हमने येलो से बुन ली कलर चेंज करते हुए, अब हम उल्टी सिलाई पर हैं, यहाँ पर हमें फिर फंदे घटाने हैं। तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, छः फंदे हमने बुने, फिर हम दो का एक करेंगे, छः फंदे बुनने के बाद हमें दो का एक करना है। देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, छः के बाद दो का एक, इसी तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। देखिए येलो कलर से हमने दो सिलाइयां बुन ली और उधर से हमने फंदे इसमें कम किए, इधर से हम ग्रीन कलर लगाएंगे और उल्टी सिलाई पे हमको फिर फंदे इसमें से कम करने हैं। देखिए ये सिलाई पूरी हमको ग्रीन कलर से बुननी है। ये देखिए ये सिलाई हमने ग्रीन कलर से पूरी कंप्लीट कर ली, अब हम उल्टी सिलाई पर हैं, यहाँ पे हमें फिर फंदे कम करने हैं। देखिए दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे हमने बुने, फिर
फिर हमें दो का एक करना है, एक दो का एक कर लिया, फिर पांच फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच, फिर दो का एक किया, फिर पांच फंदे बुनेंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारा इतना तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर रेड कलर लगाएंगे, इधर से हम रेड कलर लगाएंगे और उल्टी सिलाई पे हम फंदों को कम करेंगे। ये देखिए यहां से रेड कलर लगा लेते हैं और उधर से उल्टी सिलाई पर फंदों को कम कर। ये देखिए सीधी सिलाई पे हमने ये रेड कलर लगा लिया और उल्टी सिलाई पर हमको फंदों को कम करना है। तो अब हम कैसे कम करेंगे, एक उतार लिया, दो तीन चार, चार फंदे हमने बुने और फिर हमें दो का एक करना है कि दो का एक कर लिया, फिर चार फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदे बुने दो का एक, देखिए दो का एक किया, चार फंदे फिर बुनेंगे, दो तीन चार, फिर दो का एक, फिर चार फंदे, एक दो तीन चार, और देखिए एक और ये पांच। अब यहां से हमें फिर से कलर चेंज करना है, और देखिए अब हमें यहाँ पर व्हाइट कलर लगाएंगे। ये व्हाइट कलर है, इसको हम व्हाइट कलर को यहाँ पूरी सिलाई व्हाइट कलर लगा करके बुन करके कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए व्हाइट से हमने ये सीधी सिलाई बुन ली, उल्टी सिलाई पर हमको ये लास्ट है, लास्ट बार हमको ये फंदों को कम करना है। तो ये देखिए एक फंदा और ये दो फंदे, अब हमें दो का एक करना है। देखिए दो का एक कर लिया, अब हमें तीन फंदे बुनने हैं, एक दो और ये तीन, ये तीन फंदे हमने बुने और यहाँ पर हमें ये दो का एक करना है। ये देखिए दो का एक कर लिया, फिर तीन फंदे बुनेंगे, एक दो तीन, दो का एक किया, ये देखिए दो का एक कर लिया, एक दो तीन, यहाँ दो का एक करेंगे और एक फंदा ये उल्टा। इस तरह से ये देखिए हमारा ये इतना बुन के तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर येलो कलर लगाएंगे, येलो कलर लगा लेते हैं और एक सिलाई सीधी बुन करके कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ हमने येलो कलर लगा लिया, चेंज कर लिया कलर। अब हम उल्टी सिलाई पर यहाँ पर जाली बनाएंगे डोरी डालने के लिए। तो देखिए पहला फंदा तो हमने उतार लिया और ये एक फंदा हमने ये बुना, उल्टा बुना, और ऊन को हम पीछे करेंगे और ये फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए एक हमारी जाली यहाँ पर पड़ गई, ये फिर हमने एक फंदा उल्टा बुना, ऊन को पीछे किया और यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए दूसरी जाली, फिर हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ऊन को पीछे करेंगे और ये हमारी यहाँ पर जाली पड़ गई। इसी तरह से एक फंदा हम बुनते जाएंगे और एक जाली हम यहाँ पर डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से, इसी तरह से हम पूरी सभी जालियां डाल लेते हैं। ये देखिए ये हमारी यहाँ पर हमने जाली डाल करके कंप्लीट कर ली। अब हमें दो सिलाइयां सीधी उल्टी बुननी है, इधर से हम सीधा बुनेंगे और उल्टी सिलाई हमको पूरी उल्टी बुननी है। तो ये इस तरह से हम सीधा बुन करके कंप्लीट करते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमने सीधा बुना और ये जाली है हमारी, इसको हम इस तरह से बुनेंगे तो ये हमारी जाली पड़ गई। इसी तरह से पूरी सिलाई हमको इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। ये कंप्लीट कर लेते हैं और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। देखिए ये देखिए ये जाली डालते हुए पूरी सिलाई हमने ये सीधी बुन ली। अब हम उल्टी सिलाई पर हैं, उल्टी सिलाई पर हमें सभी फंदों को बंद कर देना है। ये हमारा बन करके तैयार हो गया। तो ये हम दो का एक करेंगे। ये देखिए दो फंदों का एक किया, इसी पे चढ़ाया और इस तरह से हमको दो का एक करना है। ये देखिए इस तरह से हम दो का एक करते जाएंगे और सभी फंदों को बंद कर लेंगे। ये देखिए सभी फंदों को बंद कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा राधा रानी का लहंगा बन करके तैयार हो गया। और हम इसके यहाँ पर डोरी लगाएंगे। ये देखिए ये डोरी बन करके हमने ये बना करके तैयार कर ली है। देखिए इस तरह से, और इसको यहाँ डालेंगे, डाल के तैयार करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए डोरी डाल करके हमने लहंगे को तैयार कर लिया, इसमें पॉम पॉम लगा दिए, कितना सुंदर और बहुत खूबसूरत बना है। आप भी बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।